मैं अपने चैनल पे बहुत सी ब्राउनीज़ की रेसिपी लाने वाली हूँ, लेकिन आज हम बेसिक चॉकलेट ब्राउनी से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है। अपने अवन को 350 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट होने के लिए रख दें। बेकिंग पैन को पार्शन पेपर से लाइन करें। सबसे पहले बोल के अंदर अंडे डाल दें और इनको अब एक विस्क की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लें। अब बारी आती है कॉफ़ी और वाटर मिक्सचर डालने की। अब डाल दें इसके अंदर वनीला एसेंस और साथ साथ बीट करते रहें। ब्राउन शुगर भी इसमें इस टाइम पे ऐड कर दें। अच्छी तरीके से विस्क करें कि ब्राउन शुगर आपके एग्स के मिक्सचर के अंदर अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। मेल्टेड बटर आप इसके अंदर इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं और साथ साथ विस्क करते रहें। छाने हुए मैदे में कोको पाउडर डाल दें। कोको पाउडर भी आपका छाना हुआ हो और फिर बेकिंग पाउडर बीच में डाल दें, ये टोटली ऑप्शनल है। बेकिंग पाउडर डालने की वजह ये थी ताकि ब्राउनीज़ में थोड़ी सी फुलनेस आ जाए। आप इस स्टेप को टोटली ओमिट कर सकते हैं। अब आप अपने वेट मिक्सचर के अंदर अपना ड्राई मिक्सचर डाल के अच्छी तरीके से विस्क कर लें। मैंने अपना ड्राई मिक्सचर दो बैचेस में डाला है ताकि मेस क्रिएट ना हो। अच्छे तरीके से अपने बैटर को मिक्स कीजिए कि बिल्कुल इस तरह की गुई कंसिस्टेंसी फॉर्म हो जाए। अब इस पॉइंट पे मैं अपने सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो डार्क या फिर अनस्वीटन चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। स्पैचुला की मदद से अपने बैटर को फोल्ड कीजिए और प्रिपेयर्ड बेकिंग पैन के अंदर सारा बैटर डाल दें। अच्छी तरीके से बैटर को लेवल कीजिए। अब बारी आती है इसको बेक करने की। 350 फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट्स के लिए बेक करें और 10 मिनट के लिए फिर ठंडा होने रख दें। अब आप अपने मर्जी के साइज़ के इसके स्क्वायर्स काट लें। इसकी सरफेस क्रैक करेगी क्योंकि ये ब्राउनीज हैं, तो आपने घबराना नहीं है। और ये देखिए अंदर से किस कदर सॉफ्ट हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जब आपने ब्राउनीज़ बनाई तो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा।